मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों फंसे हुए। इंडी गठबंधन यूपी में उपचुनाव को लेकर जो प्लानिंग कर रहा था वो सारी प्लानिंग धरी की धरी दिख रही है। सीएम योगी उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिस पर बोलकर अखिलेश यादव फंस जाते हैं और राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं पाते। यूपी उपचुनाव में बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, अब आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलने वाला है। इस माहौल के बीच अखिलेश का पीडीए कार्ड कितना काम करेगा यह भी सवाल है। राहुल का संविधान बचाओ नैरेटिव और जातिगत जनगणना का मुद्दा पहले ही हरियाणा में फेल हो चुका है और बीजेपी फ्रंट फुट पर हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। बहराइच की घटना में क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे बहराइच के मामले में इंडी गठबंधन फंस गया। लेकिन पहले इंडी गठबंधन के अंदर चल रही उठापटक के बारे में सुनिए। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर बाईपोल है। इन 10 सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। फिर पता चला कि चुनाव तो 9 पर ही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद वो अखिलेश से अपनी शर्तों पर सीट मांगेंगे, लेकिन हरियाणा तो हार गए। अब नतीजा यह हुआ कि यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत घट गई। पहले भी कोई बहुत तूफानी नहीं थी, लेकिन अब और घट गई। कांग्रेस पहले उपचुनाव में 5 सीट मांग रही थी, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2 सीट दी है। कांग्रेस जो मांग रही थी वो भी अखिलेश यादव ने नहीं दिया। मतलब एक तो दे ही 2 सीट रहे और वो भी कांग्रेस की पसंद का नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। मतलब एकदम लाइन पे ला दिए हैं कि भाई जितना है उतना ना लोगे कुछ भी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। अखिलेश के सपने को पूरा करने में कांग्रेस कोई मदद ही नहीं कर रही। अखिलेश ने भी दिखा दिया कि यूपी में कांग्रेस की क्या हैसियत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ऐसे हवा में उड़ रही थी जैसे चुनाव ही जीत लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश के साथ बराबरी की डील होगी, लेकिन अखिलेश यादव भी कांग्रेस के रवैये से बहुत खुश नहीं दिख रहे। अखिलेश मीडिया में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तैयारी चल रही थी। कांग्रेस से बिना चर्चा किए कहा गया कि 9 अक्टूबर को अखिलेश ने 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए। उसी समय साफ हो गया था कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उतनी उसे मिलने वाली है नहीं। बाकी जो 4 सीटें बची थी उस पर कांग्रेस ने दावा ठोकना शुरू किया, लेकिन अखिलेश ने उस दावे पर भी पानी फेर दिया। आप खुद देखिए, अखिलेश ने पहले 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस के सामने 4 सीटों का विकल्प बचा। फिर अखिलेश ने 7वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया। अब कांग्रेस के पास 3 सीटें बची थी, लेकिन चुनाव ही 9 पर हो रहा है तो वो भी घटके 2 हो गई। तो अखिलेश ने कांग्रेस को कहा कि ये 2 बचा है बॉस ले लो, और इसमें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को दे दी। ये दोनों ही सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास रही हैं, यानी अखिलेश ने कांग्रेस को 2 मुश्किल से सीटें दे दी। भाई उनको पता है अखिलेश यादव को कि कांग्रेस पार्टी यूपी में लोकसभा में सीटें लाई तो अखिलेश यादव की पार्टी के कंधे पे बैठ के लाई। उसके बाद राहुल गांधी को पूरे सोशल मीडिया में हीरो बता दिया, अखिलेश यादव साइड हो गए या कर दिए गए। अब अखिलेश यादव ने कहा कि एक काम करो, बहुत हीरो हैं अगर आप लोग कांग्रेस वाले तो आप लोग कंधे से उतरो, अब बीजेपी से 1-to-1 फाइट करो जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, तब ना मानेंगे कि हराए बीजेपी को। अखिलेश ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट देकर एक तरह से चुनौती दी कि जाओ बीजेपी के गढ़ में ये दोनों सीटें जीत के दिखाओ, फिर आना बात करने। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें। आप देखिए कि गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही है। इसी तरह खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी, समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। यानी यह हालत वैसे हो गई कि कांग्रेस कह रही थी कि हमको बैटिंग चाहिए बैटिंग चाहिए, और जैसे ही बॉलिंग पे बुमराह आया तो कहा गया कि जाओ तुम बैटिंग करो। अब कांग्रेस कह रही है बुमराह कैसे खेलेंगे, वो तो हम खेल ही नहीं पाते। तो अखिलेश यादव कह रहे तो खेल के दिखाओ, मारो सेंचुरी। यानी हारी हुई 2 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी, और इन सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस क्या ही हासिल करेगी ये खुद कांग्रेस को समझ में आ रहा है। कांग्रेस को मुश्किल सीटें देकर अखिलेश अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिनमें मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा, मिर्जापुर की मझुआ सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया। इसमें मीरापुर सीट से कैंडिडेट का ऐलान तो आज ही किया गया। सुम्बुल राणा बीएसपी के कोऑर्डिनेटर
मुनकाद अली की बेटी और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं और वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो बीजेपी को मौका मिल गया हमला करने का। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव के लिए तो नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया गया है। वहीं मीरापुर से पूर्व सांसद की बहू को टिकट मिला है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला है। नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद तुष्टिकरण के प्रतीक है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव तीनों चीजें उनमें कूट कूट कर भरी हैं। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। कहने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई और दोनों ही दल दावा भी कर रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे से ही साफ हो जा रहा है कि अखिलेश की मंशा क्या थी। दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियां नेक्स्ट लेवल पर हैं। बीजेपी हर सीट के लिए विनिंग कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसके लिए लगातार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी ने संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बीजेपी की संभावित लिस्ट में किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। फूलपुर से दीपक पटेल, अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल। सीसामऊ से सुरेश अवस्तु, नीतू सिंह और नीरज। खैर से भोला दिवाकर और मुकेश सूर्यवंशी। मंजुआ से सुचिश्मिता मौर्य और सीएल बिंद। कुंदरकी से शेफली सिंह, रामवीर और मनीष सिंह। कटेरी से धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी। करहल से संगमित्रा मौर्य, सलोनी बघेल और अनुजेश का नाम चल रहा है। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान का नाम चल रहा है। तो ये संभावित कैंडिडेट्स हैं, इनमें से किसका नाम फाइनल होगा ये तो अभी पता चलना बाकी है। अच्छा, जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से तीन सीटें बीजेपी के पास थी, दो उसके सहयोगियों के पास थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन का परचम लहराया जाए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए बीएसपी और ओवैसी की भी एंट्री हो गई। इन दोनों की एंट्री से अखिलेश और कांग्रेस को नुकसान होने की चर्चा हो रही है। बीएसपी ने अपने दम पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी ने अभी तक 5 सीटों पर कैंडिडेट उतार भी दिए। ओवैसी की पार्टी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। AIMIM 2 सीटों पर और बाकी पर पल्लवी पटेल की पार्टी लड़ेगी। आपको सुनवाता हूं कि उपचुनाव को लेकर ओवैसी क्या कह रहे हैं। हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे, और जहां तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। कुल मिलाकर उपचुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के समीकरण को साधने के लिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।